जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं सेठ चंदुलाल जी और मंगूबेन का जीवन चरित्र। सेठ श्री चंदुलाल जी का जन्म गांव हालिसा, जिला अहमदाबाद के जैन परिवार श्री दौलत राम जी के पुत्र के रूप में हुआ। श्री दौलत राम को कुल 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा श्री अंबालाल दौलत राम जी, बेटी श्रीमती हीराबेन जी और सबसे छोटे बेटे श्री चंदुलाल जी। सेठ श्री चंदुलाल जी हालिसा गांव की धूल और मिट्टी में पले बढ़े और अपनी शिक्षा पूरी की। सेठ चंदुलाल जी का विवाह किशोर अवस्था में ही नजदीक के गांव दौलताबाद के प्रतिष्ठित परिवार के श्री केशवलाल की बेटी मंगूबेन से हुआ। विवाह के 1 वर्ष बाद सेठ श्री चंदुलाल जी अपनी धर्मपत्नी मंगूबेन के साथ गांव सखांद्रा, जिला बरोड़ा, तालुका पावी जैतपुर में स्थापित हुए और गांव सखांद्रा को ही कर्मभूमि के रूप में चुना। सेठ जी गांव सखांद्रा में आय के स्रोत के लिए सबसे पहले किराने की दुकान खोली, साथ ही साथ खेत खरीद कर खेती बाड़ी करते थे। सेठ चंदुलाल जी के हृदय में गांव के लोगों के प्रति बहुत उदार भाव था। गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था, इसीलिए गरीबों की आर्थिक मदद भी करते थे। इस तरह के स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण ही गांव के आसपास के 10-15 गांवों के लोग सम्मान और आदर से सेठ चंदुलाल जी को सेठ के नाम से संबोधित करते थे। सेठ चंदुलाल जी के जीवन को सरल सहज सुंदर बनाने में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगूबेन का हमेशा योगदान रहा है। सेठ जी की धर्मपत्नी मंगूबेन बहुत सरल स्वभाव की थीं। मंगूबेन जीवन के नियम और संयम के पालन में बहुत दृढ़ थीं। मंगूबेन भोर में उठकर जैन धार्मिक क्रिया विधि के अनुसार सामायिक विधि और प्रतिक्रमण विधि करती थीं। धार्मिक क्रिया के बाद एक क्षण भी ना गवातीं और दही को छाछ बनाने के काम में लग जाती थीं। तदोपरांत भैंस से दूध निकालती थीं। उसके बाद 4 से 5 भैंस और 4 से 5 बैलों की रहने की जगह की साफ सफाई करती थीं। उसके बाद सूर्य की पहली किरण के साथ सेठ जी के लिए कड़क चाय बनाकर उनको हाजिर कर देती थीं। इन सब कार्यों के उपरांत मंगूबेन अपनी देखरेख में नौकरों और चाकरों से घर और खेत का कामकाज करवाती थी। ये थी मंगूबेन की प्रतिदिन की जीवन शैली। सेठ जी कड़क चाय पीकर स्नान ध्यान करके नाश्ता करते थे और अपनी पसंदीदा ड्रेस कड़क कुर्ता और धोती पहनकर अतर के शौकीन सेठ जी अतर लगाते और अपने पालतू घोड़े पर बैठकर 10-15 गांवों में व्यवसायिक कार्यों के लिए जाते। घोड़े की देखरेख जीता केशा भाई करते थे। सेठ जी के कठिन परिश्रम और आगे बढ़ने की लगन धर्मपत्नी मंगूबेन के साथ सहकार से सेठ चंदुलाल जी गांव सखांद्रा में 21 खेतर के जमींदार बने। चंदुलाल और मंगूबेन की पूरी तरह से गृहस्थी बस जाने के बाद इसी गांव सखांद्रा में सेठ चंदुलाल जी के घर के आंगन में 4 बेटियां और 4 बेटों की किलकारियां गूंजी और बच्चे इसी गांव के आबो हवा में पले बढ़े। सेठ जी ने सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा गांव सखांद्रा से ही करवाई और उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजे। बड़े बेटे धीरू भाई की पढ़ाई समाप्त होने पर सेठ चंदुलाल जी ने
अपनी पहचान के माध्यम से उनको शिक्षक की नौकरी दिलवाई। दूसरे बेटे मन्नू भाई का सीएन कॉलेज अहमदाबाद से बीकॉम की शिक्षा पूरी होने पर उनकी भी नौकरी अपने पहचान के माध्यम से भगवती स्पैरोकास्ट ओढ़व गांव में दिलवाई। उसके बाद सेठ जी ने अपने दोनों बड़े बेटे धीरू भाई और मन्नू भाई का विवाह एक ही वर्ष 1964 ईस्वी में साथ साथ में करवाया और उस जमाने में अपने मान प्रतिष्ठा के अनुरूप शहर के प्रतिष्ठित घर की बेटियों को बहू के रूप में गांव सखांद्रा ले आए। सेठ जी के बड़े बेटे धीरू भाई ने विवाह के दो वर्ष बाद पास ही के गांव में अपनी गृहस्थी बसाई। दूसरे बेटे मन्नू भाई ने अहमदाबाद के शहर के गोमतीपुर अंबा माता की पोल में किराए का मकान लेकर अपनी गृहस्थी बसाई और गोमतीपुर से ही मन्नू भाई ने अपने चार भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। गोमतीपुर से ही सेठ चंदुलाल जी ने अपनी बेटी सुशीला बेन का विवाह 17 मई सन 1968 ईस्वी में प्रतिष्ठित परिवार के बेटे इंजीनियर अजीत भाई अंबालाल जी से किया और गोमतीपुर के इसी घर से कंचन बेन का विवाह 5 जुलाई 1971 ईस्वी में प्रतिष्ठित परिवार के बेटे विनोद भाई से हुआ और साथ ही साथ सेठ जी की बेटी हंसा बेन का विवाह प्रतिष्ठित परिवार के बेटे प्रवीण भाई से हुआ। 5 बच्चों का विवाह संपन्न होने के कुछ साल बाद सेठ चंदुलाल जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। गांव सखांद्रा में अच्छे हॉस्पिटल ना होने के कारण मन्नू भाई सेठ जी को गोमतीपुर से अहमदाबाद ले आए और अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर गवारिया को दिखाया तो रिपोर्ट में कैंसर निकला। इसीलिए सेठ जी गोमतीपुर में रहकर सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे। लगभग 6 महीने इलाज के बाद सेठ जी को महसूस हुआ कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने मन्नू भाई से कहा कि मुझे गांव सखांद्रा लेके चलो और सेठ जी ने यही जिद पकड़ ली कि मुझे गांव लेके चलो। मन्नू भाई विवश होकर 26 जनवरी सन 1976 ईस्वी में किराए की टैक्सी करके सुबह 10 बजे गोमतीपुर अहमदाबाद से सखांद्रा गांव के लिए चल पड़े और शाम को 5 बजे गांव पहुंचे। गांव के लोगों को जब सेठ चंदूलाल जी के आने का पता चला तो गांव के लगभग सभी लोग आए और उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। सेठ जी ने गांव के सभी लोगों का अभिनंदन किया और हाथ जोड़कर गांव के सभी लोगों से कहा कि यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना, और उन्होंने ये भी कहा कि आज तक आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, साथ सहकार दिया, उसका मैं आभारी हूं, और हाथ जोड़कर गांव के लोगों को चाय और बीड़ी पीने का आग्रह किया। उसके बाद अपनी अंतिम इच्छा गांव के लोगों के सामने प्रकट की और कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा अग्नि संस्कार पास वाले तेला माता मंदिर के पास करना और मेरे शरीर के साथ बीड़ी और अतर रखना। गांव के सामने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने के बाद सेठ जी के मन को बहुत शांति मिली और उसके बाद उन्होंने खिचड़ी खाकर दवाई खाई और अपने बिस्तर पर सो गए। दूसरे दिन जब मंगूबेन चाय लेकर सेठ जी के पास जाती हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करती हैं तब सेठ जी नहीं उठे। सेठ जी देह त्याग चुके थे। गांव के लोगों को जब सेठ जी के देह त्याग का पता चला तो गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार तेला माता मंदिर के पास
पर्वत पर उनका अग्नि संस्कार किया। परिवार और गांव के लोगों ने सजल आंखों से सेठ जी को अंतिम विदाई दी। गांव के लोग सेठ चंदूलाल जी को आदर सम्मान देते हुए उनके निवास स्थान के क्षेत्र को सेठ फरिया के नाम से घोषित किया। सेठ चंदूलाल जी गांव सखांद्रा में जिए अपनी मर्जी से और गांव सखांद्रा में देह त्याग किया अपनी मर्जी से। लगभग 70 साल का समय बीत जाने के बाद आज भी चंदूलाल जी के प्रति गांव के लोगों का प्यार और सम्मान वही है। सेठ चंदूलाल जी का स्वर्गारोहण होने के बाद उनकी धर्मपत्नी मंगूबेन का मन चिंतित रहने लगा। इसीलिए सखांद्रा से गोमतीपुर और गोमतीपुर से सखांद्रा आना जाना लगा रहता था। श्रीमती मंगूबेन के जीवित रहते ही रमेश भाई और वीणा बेन का विवाह गोमतीपुर के घर से ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। विवाह के एक वर्ष बाद ही गोमतीपुर में वीणा बेन ने बेटी को जन्म दिया। मां मंगूबेन ने बेटी वीणा बेन की बेटी की 1 महीने खूब सेवा और देखभाल की। उसके बाद मुंबई में रह रही बेटियों से मिलने की इच्छा मन्नू भाई से प्रकट की। इसीलिए रमेश भाई के साले शशिकांत भाई मंगूबेन को गोमतीपुर से साथ लेकर ट्रेन से मुंबई के लिए चल पड़े और मंगूबेन मुंबई के बोरीवली में कंचन बेन के घर दूसरे दिन सुबह पहुंची। बेटियों से मिलकर मंगूबेन के मन को बहुत शांति मिली। मुंबई पहुंचने के दूसरे दिन ही कंचन बेन ने मां श्रीमती मंगूबा को जैन तीर्थ का दर्शन कराने के लिए विरार के पास आगासी तीर्थ लेकर गईं और उसी दिन दोपहर में बोरीवली के घर में वापस आईं। बोरीवली पहुंचने पर मंगूबा की शाम को अचानक तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए उनको पटेल नर्सिंग होम में इलाज के लिए लेकर गए, जहां जांच के बाद हाई ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट आई, जिसकी वजह से उन्हें पटेल नर्सिंग होम में एडमिट कराना पड़ा और उसके बाद गोमतीपुर अहमदाबाद में मां मंगूबा की तबीयत बिगड़ने की सूचना कंचन बेन ने मन्नू भाई को दी। मन्नू भाई मां की तबीयत बिगड़ने की सूचना सुनकर राजू भाई को साथ लेकर ट्रेन से मुंबई के लिए चल पड़े और दूसरे दिन सुबह मुंबई के बोरीवली में कंचन बेन के घर पहुंचे। नर्सिंग होम में मंगूबा की देखरेख के लिए सुशीला बेन थी और जब उन्होंने मां मंगूबा को बताया कि मन्नू भाई और राजू भाई मुंबई आ चुके हैं और कुछ ही देर में उनसे मिलने पहुंचेंगे, तो ये बात सुनकर मंगूबा के मन को बहुत शांति मिली और कुछ ही क्षण में सुबह 19 दिसंबर सन 1982 ईस्वी में श्रीमती मंगूबा ने अपना देह त्याग दिया। जब मन्नू भाई और राजू भाई पटेल नर्सिंग होम पहुंचे, तब तक मंगूबा ईश्वर में विलीन हो चुकी थी। विधि के विधान के सामने मन्नू भाई और राजू भाई मजबूर थे। मां के अंतिम समय में मां से ना मिल पाने का गम राजू भाई को आज भी है। इस दुनिया से अंतिम विदा लेने से पहले मां मंगूबा ने अपनी बेटियों से कहा कि सभी बच्चों की गृहस्थी बस गई है और इस बात से मैं बहुत खुश हूं। अब राजू की गृहस्थी बसाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। मां मंगूबा की बेटियों ने राजू भाई को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजू भाई का विवाह करवाया और आज भी सभी बहनें राजू भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। सेठ चंदूलाल जी और मां मंगूबा का आशीर्वाद
और कृपा दृष्ट आज भी पूरे परिवार पर है। इसीलिए सेठ जी की कर्मभूमि, राजू भाई की जन्मभूमि, गांव सखांद्रा का वो घर जिसे सेठ चंदुलाल जी ने बनवाया था और जिसमें सेठ जी का पूरा परिवार पला बढ़ा था, उस घर में सेठ जी के परिवार के किसी भी सदस्य के ना रहने के कारण और बिना देखरेख की वजह से जर्जर हो चुका था। परंतु राजू भाई के मन में पिता की कर्म भूमि, पिता के देह त्याग और मोक्ष की भूमि को हमेशा यादों के धरोहर में संजोह कर रखना है। इसीलिए गांव सखांद्रा के उस पुराने घर पर नए घर का निर्माण कर रहे हैं। गांव सखांद्रा को राजू भाई माता पिता का मंदिर मानते हैं। गांव सखांद्रा के लोगों की भी यही इच्छा थी कि सेठ जी की पहचान अनंत और अमिट रहे। इसीलिए गांव सखांद्रा का ये घर सेठ जी के परिवार वालों के लिए मंदिर है। सेठ चंदुलाल जी के कुनबे का वंश वृक्ष बढ़ रहा है और फल फूल रहा है और अब तक 105 सदस्यों का कुनबा बन चुका है और इस कुनबे पर सेठ चंदुलाल जी और मां मंगूबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इस वीडियो प्रोग्राम को बनाने का उद्देश्य ये है कि नई पीढ़ी अपने दादा दादी और अपने नाना नानी को जाने और आने वाली पीढ़ी भी अपने पूर्वजों का मान सम्मान हमेशा रखे। यही ईश्वर चरणीय प्रार्थना। इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। कजरा सियाही दिन रंग
तुझ को सुहाए, तुझ संग सुखी रोटी भाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, तेरा नाम। Hey!
तुम डा तुम्हें करी गया वो तार
Thank you.
दुवानाई तारी बाट देखोले डोगी नडावर नाद तूंड बाट गवेले डमरी कोले मधुवानाई तारी बाट देखोले आदिवासी दिन में चस्तु लाइसिंग पुला जैन राठवा सिंगर मेंसिंग राठवा मार कॉलर टाइट रख जो
और कॉलर टाइट रख जो। मर दौड़ा लुगड़े दादा कदी दाग ना लागे, मरी इज्जत ने अबरू ने कड़ी मेश ना लागे। हारे होवे रे हमारा हनुमान जी, मर कॉलर टाइट रख जो। हमारा हनुमान जी मर कॉलर टाइट रख जो। विचार कराए तोरी चाइना आए तम, नक्की कोई गारंटी।